हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, दैट वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन हैलाइड बट बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी तरीके से हमने डिस्कशन किए, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एन अल्काइन हैलाइड, दैट इज द इलिमिनेशन रिएक्शन। अब इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब हमें क्या, हमें ये तो बताया कि उसमें से द सब्सट्रेट इन फ्रॉम विच रिमूवल ऑफ एन समथिंग ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप्स यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हैलोजन और उसके साथ कोई भी अगर एक ग्रुप वहां पे क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें फर्स्ट इज अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। नाउ डिहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो मैंने पहले बोला था कि कोई तो भी ग्रुप मतलब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड डिस्कशन करें, दैट्स व्हाई हैलोजन। हमने हैलोजन के साथ कौन यहाँ पे निकल रहा है या फिर रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स अ हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने डिटेल में ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन का जो अल्किन है उसमें एज ए प्रिपरेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट विल बी अल्किन। देखो रिएक्शन, नाउ ये भी हमने यहाँ पे CH3, ये CH2 और ये Cl, इथाइल क्लोराइड क्लोरोएथेन। नाउ दिस कार्बन एटम इज अल्फा, दिस इज अ बीटा। नाउ यहाँ पे हम रिएजेंट यूज करते हैं KOH या फिर NaOH अल्कोहलिक। एक्वस अगर रहेगा, इससे पहले हमने पढ़ा है इसके वीडियो लेक्चर में कि एक्वस अगर है तो सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कोहलिक है तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और वो आगे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो बीटा का एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये ओ माइनस जो है यहां से ले लेगा एच प्लस, तो ये वाटर चल दिया, ओ एच और एच प्लस वाटर। जैसे एच प्लस यहां से जाता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा एक पाई बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो दिस कार्बन बिकम अ पेंटावेलेंट, क्योंकि ऑलरेडी चार बॉन्ड है तो पेंटावेलेंट अगर हो जाएगा, जैसे ही इधर आता है ये बाहर चला गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक्स माइनस, ये जो एक्स माइनस मतलब सीएल माइनस और ये के प्लस, तो ये क्या चल रहा है यहाँ से, केसीएल। वंडर बॉइलिंग कंडीशन, हीटिंग कंडीशन बना क्या है, देखो यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड, तो ये CH2 डबल बॉन्ड वाटर CH2, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज व्हाट इथीन, क्या है इथीन या फिर थायमिन, और ये क्या चला गया यहाँ से, ये चला गया यहाँ पे KCl, और ये OH और ये क्या चला गया H2, ये है H2। नाउ प्रोडक्ट क्या मिला है हमें, दैट मींस अल्किन प्रोडक्ट मिला है। नाउ डिहाइड्रोहैलोजनेशन, क्योंकि अल्फा का जा रहा है हैलोजन और बीटा का जा रहा है हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सपोज मैं एग्जांपल ये CH3, ये CH और ये Br और ये CH2, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाउ दिस इज अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। नाउ बोथ बीटा हैव अ सेम टाइप्स, सेम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो कोई भी हाइड्रोजन आपने निकाला कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखो सपोज मैं यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे लिया ये H, ओके। नाउ ये हमने जस्ट यूज किया यहाँ पे ये NaOH अल्कोहलिक अंडर हीटिंग बॉइलिंग कंडीशन, तो ये Na और ये OH, ओके। तो Na प्लस होता है OH माइनस, ये निकालेगा यहाँ से H2, Na प्लस और ये Br माइनस, ये चला जाएगा NaBr, तो यहाँ पे बनेगा क्या, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड माने मतलब CH2 डबल बॉन्ड, देखो CH2 ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3, और बाय प्रोडक्ट क्या है, देखो ये क्या चला गया है, ये NaBr, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे NaBr, और ये OH माइनस और ये H प्लस, तो ये क्या चला गया H2। नाउ हमें क्या मिला है यहाँ पे, प्रोपीन एज यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। तो आपको कोई भी यहाँ पे ग्रुप दिया जाएगा। नाउ दिस व्हाट अ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन वगैरह, तो ये क्या है, सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा साइक्लोहेक्सीन बाय रिलीजिंग ऑफ, ये देखो ये KCl है, तो ऑलरेडी हमने लिख दिया KCl एंड व्हाट H2, तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, साइक्लोहेक्सीन इज अवर प्रोडक्ट। सो कोई भी अगर हम यहाँ पे हैलोजन लेते हैं तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट। नाउ
ये कंडीशन थी फॉर अ सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड मतलब विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन हैव अ सेम क्वांटिटी ऑफ एन बीटा हाइड्रोजन, लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन अगर अलग अलग होती है देन रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द सेट जेड रूल। तो देखो कैसे एग्जांपल, ना देखो ये एग्जांपल ये हमने CH3, ये CH, ये आयोडीन, ये CH2 और ये CH3, टू आयोडो ब्यूटेन सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आयोडाइड, यहां पे लिया मैंने देखो ये NaOH और ये अल्कोहल। नाउ देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज अल्फा कार्बन एटम, ये है बीटा, ये भी है बीटा। नाउ यहाँ पे देखो ये दिक्कत नहीं थी, ये अल्फा और बीटा था और बीटा एक ही कार्बन था। यहाँ पे देखो यहाँ पे बीटा कार्बन एटम दो है लेकिन क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे भी सी एच थ्री है और यहाँ पे भी सी एच थ्री है। यहाँ पे भी देखो ये था अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, और दोनों पे देखो हाइड्रोजन की क्वांटिटी वॉज दी सेम दो, ये यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो, लेकिन यहाँ पे देखो सो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, तीन हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो देयर इज अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ बीटा हाइड्रोजन एटम, देन फिर हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जाएगा कौन से। तो फिर रिएक्शन प्रोसीड बाय अकॉर्डिंग टू द सेट जेड रूल, क्या है ये सेट जेड रूल। तो ना मतलब सेट जेड रूल का स्टेटमेंट हम क्या बोलते हैं, The elimination of hydrogen from that beta carbon atom which having a less quantity of hydrogen atom. मतलब hydrogen उस beta carbon से जाएगा जहां पे hydrogen की quantity already कम है। मतलब यहां पे देखो यहां पे beta hydrogen तीन है और यहां पे क्या है दो, मतलब यहां से जो hydrogen जाएगा वो प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सेट जेड रूल। तो कैसे देखो यही लिख रहा हूं आगे, सी एच थ्री ये सी एच और ये आयोडीन और ये एच एच और ये सी एच थ्री वही है। नाउ ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा, क्या लिया था हमने यहाँ पे यानी ओ एच अल्कोहलिक। तो देखो मैंने यहाँ पे जब यानी ओ एच डाल दिया तो क्या है एनए प्लस एन ओ एच माइनस, ये निकाला यहाँ से और चला गया वाटर और ये यहाँ से चला गया NaOH, तो यहाँ पे बनेगा क्या डबल बॉन्ड। सो प्रोडक्ट हमें मिला क्या है, प्रोडक्ट मिला है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री। नाउ दिस इज व्हाट टू ब्यूटीन बीटा ब्यूटीन ब्यूट टू ई, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना दिस इज आवर ऑफ कोर्स दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, ये मेजर क्यों होता है क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है ये भी हम जस्ट डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहां से चला गया देखो ये CH 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 ये आयोडीन हमने लिख दिया और ये CH2 CH3। नाउ दिस इज अ अल्फा ये बीटा और ये बीटा सेम हमने यहां पे क्या ले रहे हैं हम अगेन NaOH ओके Na+ और OH-, ये यहां से चला गया क्या NaOH और ये यहां से चला गया क्या वाटर। देखो हम हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन का निकाल रहे हैं जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड। सो प्रोडक्ट विल बी व्हाट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बाय एनी व्हाटएवर जो भी बाय प्रोडक्ट होगा ये तो हमने वहां पे भी मेंशन करा है। लेकिन देखो ये क्या है इसकी वाटर वन ब्यूटी अल्फा ब्यूटीनिन, तो नाउ दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमें बताया किसने सेट जेड रूल में, तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है बिकॉज हमें पता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड हैव अ हाई स्टेबिलिटी। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड होता है या फिर अल्किन होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है बाय वाटर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और बाय इम्यून पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो देखा है तो जस्ट आप इमेजिन करो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है तो ये जो हाइड्रोजन है ये तीन और ये तीन, सो टोटल यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन आइटम कितने टोटल छह, तो दैट्स व्हाई इट शोज अ सिक्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एज एज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दैट इज अल्किन। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ओनली अल्फा कार्बन आइटम, तो दो हाइड्रोजन है
क्या पार्टिकल ये अल्फा है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन कॉन्फिगरेशन कितने दिखाएगा? दो। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने दिखाता है? छह। तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि दिस इज हैविंग अ मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दिस, और जो मोर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो वो प्रोडक्ट हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो यही हमें बताया स्टेटमेंट के फॉर्म में द साइंटिस्ट वाज दिस सेड सेड, तो उसको हम बोलते हैं सेड जेड रूल। तो एक्चुअली है क्या सेड जेड रूल? इन इलिमिनेशन रिएक्शन, और इवन अगर हम रिएक्शन यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन डिस्कशन करें तो दैट्स आप स्टेटमेंट में वो भी बोल सकते हो। इन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन द हाइड्रोजन इलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच हैविंग अ लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि बीटा हाइड्रोजन कहां से जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑलरेडी कम है, क्योंकि यहां से जब जाएगा तो ही हमें हाईली अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन प्रोडक्ट मिलेगा, और हाईली अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। सो दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट हमें मेजर मिलेगा और ये माइनर। ये कब यूज करना है? जब हमारा अल्काइल हैलाइड अनसिमेट्रिकल रहेगा, मतलब वहां पे जो बीटा हाइड्रोजन की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। अगर सेम टाइप के अगर बीटा हाइड्रोजन है सो देयर इज नो नीड टू यूज द सेड जेड। नाउ दिस रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ अगेन इलिमिनेशन। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट टाइप रिएक्शन है डिहैलोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन अभी यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि डिहाइड्रोजनेशन तो है, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज करते हैं विच इज अ विसिनल, क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। कैसे? ओके, सो विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड इफ टू हाइड्रोजन एटम अटैचेस टू एडजेसेंट टू ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये तो CH2 और ये लिया हमने कोई भी X और CH2 यस। देखो दो हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो दिस इज व्हाट एडजेसेंट टू ईच अदर, यहाँ पे हमने ले लिया जिंक एज अ मेटल अंडर अ हीटिंग अल्कोहलिक और हीटिंग कंडीशन। तो देखो यहाँ से चला क्या जाएगा ZnX2 और यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये ZnX2, तो इलिमिनेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट मिलेगा अल्किन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सो दिस इज व्हाट इथीन, तो अल्किन यहाँ पे प्रोडक्ट। सो ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है प्रिपरेशन ऑफ एन अल्किन में प्रिपेयर। तो बस ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे विसिनल रहेगा, नॉट जेमिनल, विसिनल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नाउ ये था इलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन था कैसे इलिमिनेशन। नाउ ऐसे कुछ रिएक्शन है कि जो हम सेपरेटली डिस्कशन करते, नॉट इवन इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इवन इन अ इलिमिनेशन रिएक्शन। तो कैसे? चलो नेक्स्ट है, दैट इज अ रिडक्शन। रिडक्शन इसको कई बार इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लेकिन ये कैटेगरी होती है रिडक्शन रिएक्शन की, तो उसमें फिलहाल हम डिस्कशन करते। तो ये लिया हमने अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद द निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, या फिर आपको दिया जाएगा व्हाट, दैट इज द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अल्टीमेटली रिडक्शन होता है, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे तो HX चला गया, ये बाहर चला रहा है HX, और एक हाइड्रोजन जो नेसेंट होता है ये इधर आता है तो हमें मिलेगा RH, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा अल्किन, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा। सपोज इफ यू टेक एग्जांपल CH3CH2 और ये यहाँ पे लिया गया इथाइल ब्रोमाइड, कंडीशन इज सेम, तो हमें एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो HBr चला गया, ये HBr चला गया, और एक हाइड्रोजन इस CH2 को लगेगा तो ये CH3 और ये CH2 और ये H, मतलब प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, इथेन हमें यहाँ पे क्या मिला है एज अ प्रोडक्ट मिला। तो सिंपली हम क्या है कि दिस इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट। जिंक कॉपर कपल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिंक कॉपर कपल जो हमने अल्किन प्रिपरेशन में रिएक्शन यूज किया था, देखो इसके हम जिंक कॉपर कपल भी हम यहाँ पे जनरली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन अल्कोहल इन सॉल्वेंट एज अल्कोहल। तो ये सब रिडक्शन प्रोसेस है, तो अल्टीमेटली अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, अल्किन में, इसका क्या हो जाएगा मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा। सेम नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ ऊत रिएक्शन, ऊत सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी हमने
एज अ प्रिपरेशन रिएक्शन में पड़ा है हाइड्रोकार्बन में. व्हेन टू मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट. देखो ये चला जाएगा 2NaX और दिस इज अगेन वी पार्ट एज अ कपलिंग रिएक्शन. इस R और इस R में क्या बनेगा बॉन्ड. तो ये R O R by releasing of water by releasing what two mole of NaX कोई भी whatever है. ये भी रिएक्शन में डिटेल में डिस्कशन की है. और ये भी डिस्कशन अगर सिमेट्रिकल है सपोज एग्जांपल लेते हैं CH3Cl ये 2 अगेन ये Cl और ये CH3 तो ये चला गया 2 mole of NaCl. इस मिथाइल और इस मिथाइल में बॉन्ड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अंडर हीटिंग कंडीशन वगैरह. तो ये CH3 और ये CH3 बाय रिलीजिंग ऑफ टू मोल ऑफ NaCl. सो हमें यहां पे प्रोडक्ट क्या मिला दिस इज वाटर इथेन. लेकिन ये सिमेट्रिकल अगर रहेगा तो एक ही अलग एक प्रोडक्ट मिलेगा. वही अगर अनसिमेट्रिकल है CH3Cl और ये यहां में सोडियम मेटल और ये Cl और ये CH2CH3. देखो एक क्लोरोमीथेन है और एक क्लोरोइथेन है मिथाइल क्लोराइड इथाइल. तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. सो अगेन सेम दैट इज अ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अंडर अ हीटिंग कंडीशन. सबसे पहले क्या होता है हमें प्रोडक्ट मिलता है सेल्फ में सेल्फ मतलब मिथाइल मिथाइल. देखो मिथाइल मिथाइल क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे एक और ये एक थोड़ी होता है बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड है बहुत सारे इथाइल क्लोराइड है. तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है तो यहाँ से ये पहले सेल्फ सेल्फ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अ CH3 और CH3 इथेन. ये सेल्फ सेल्फ मिलेगा तो इसका मिलेगा एन ब्यूटेन. तो ये लिखा हमने CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज एन ब्यूटेन. और जब अभी ये क्रॉस होता है तो देखो ये CH2 और CH3 में बॉन्ड बनेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें व्हाट दैट इज अ प्रोपेन. सो ध्यान रखना है कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल अलग 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 अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लेते हैं सो यहाँ पे एमसीक्यूज भी बहुत बार पूछा गया है. तो ध्यान रखना है वी विल ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ थ्री अल्केन एज अ प्रोडक्ट. थ्री अल्केन का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि दो मिलते हैं सेल्फ के और एक मिलता है क्रॉस का. लेकिन अगर सिमेट्रिकल है मतलब सेम क्वांटिटी सेम टाइप के अगर वहां पे अल्काइल हैलाइड है सो प्रोडक्ट विल बी ओनली वन टाइप्स की प्रोडक्ट. जो अल्केन जो प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ एक ही टाइप का वहां पे होगा. सो दिस इज अ पूल रिएक्शन. सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ फ्रैंकलिन रिएक्शन. फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है सेम रिएक्शन इस की तरह ही रिएक्शन है सिर्फ इंस्टेड ऑफ सोडियम वहां पे यूज होता है जिंक एज अ मेटल. व्हेन टू मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड बी व्हाट दैट इज अ जिंक. तो देखो ये चला जाएगा ZnX2 फिर से कपलिंग है. इस R और इस R में क्या मिलेगा बॉन्ड R R by release of water Zn और जो भी X2. लेकिन स्पेशली ध्यान रखना है ये X2 यहाँ पे ज्यादातर वहां पे जो X2 होता है वो रिएक्टिविटी के तौर पे देखा जाए तो आयोडीन जो होता है मतलब अल्काइल आयोडीन आयोडाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी इन केस ऑफ अ फ्रैंकलिन रिएक्शन. फ्रैंकलिन रिएक्शन में होता है बाकी रिएक्शन एज इट इज उर्क रिएक्शन की तरह ही ये भी रिएक्शन होती है. नाउ दिस इज अबाउट व्हाट अ फ्रैंकलिन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट है दैट इज अ कैटेगरी ऑफ व्हाट इंसर्शन रिएक्शन. इंसर्शन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं दैट मीन्स इसको ही बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ चलो ठीक है नाउ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ओके ठीक है चलो. नाउ नेक्स्ट है दैट इज इंसर्शन रिएक्शन. और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इंसर्शन रिएक्शन से बनता है और इसके एप्लीकेशन अल्कोहल प्रीपेड में या फिर अल्केन प्रीपेड में भी इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है. सो ध्यान रखना है रिएक्शन है कैसी इंसर्शन कैटेगरी हम बोलते हैं सो इंसर्शन रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो RMGX हमें बताया RMGX इसको हम क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोला जाता है. तो कैसे रिएक्शन है देखो ये है RX अल्काइल हैलाइड. When this heated with the magnesium metal in presence of water, dry ether as a solvent. So magnesium is what? Magnesium is more electropositive. हमें पता है alkaline earth metal है. This is more electropositive as compared to carbon, or even as compared to halogen. क्योंकि
कार्बन भी और हेलोजन भी बोथ बिलोंगिंग फ्रॉम अ पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो है दैट मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप है मैग्नीशियम है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्या है दिस मैग्नीशियम हैव अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स बोथ। देखो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम अर्थ मेटल है इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन है जिसका हेलियम पॉजिटिव, तो कोई बोलेगा ये मैग्नीशियम में इधर जाना चाहिए, लेकिन डायवेलेंट नेचर है, तो डायवेलेंट नेचर है तो ये क्या होता है दोनों में मतलब इंसर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ये जो आर है मतलब कार्बन कंटेनिंग जो भी अल्काइन ग्रुप है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिला यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, सो दैट्स व्हाई ये दोनों के बीच में क्या होता है इंसर्ट होता है और बनता है आर एफ जी एक्स, सो इंसर्शन रिएक्शन है, नॉट एडिशन, नॉट एलिमिनेशन, नॉट ए सब्स्टिट्यूशन, तो इंसर्शन, क्यों, वहां पे इंसर्ट हो रहा है मैग्नीशियम, और इसको ही हम बोलते क्या है दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोला जाता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये सी एच थ्री सी मिथाइल क्लोराइड व्हेन हीटेड विद द मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो ये इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, सो मिथाइल मैग्नीशियम और ये क्लोराइड हमें मिलेगा, सो ये सी एच थ्री सी एच टू और ये बी आर ये फिर से मैग्नीशियम एवरीथिंग इज सेम, सो ये सी एच थ्री सी एच टू और ये क्या है एम जी और ये बी आर इथाइल मैग्नीशियम और व्हाट ब्रोमाइन, सो कोई भी एग्जाम्पल आपको वहां पे दिया जाएगा, सो दिस रिएक्शन बी कॉल्ड एज अ इंसर्शन रिएक्शन, इसको बोला जाता है। नाउ देखो इसी टॉपिक में हमने पढ़ा है जो दो रिएक्शन पढ़ी हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड वाटर सॉल्ट रिएक्शन, एक्चुअली ये मैंने उस वक्त भी बोला था कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं एज वेल एज इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, वो भी जस्ट एक एग्जांपल लेके हम डिस्कशन करेंगे ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन दीज आर यूज टू ओनली प्रिपेयर व्हाट दैट इज अल्काइल आयोडाइड, ये लिया मैंने एलएक्स एक्स शुड बी अ क्लोरीन और ओनली अ ब्रोमीन when it reacted with NaI in presence of what dry acid or as a solvent, as a solvent तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे NaX, अगर Cl है तो NaCl और ये Br है तो NaBr चला जाएगा और इस iodine और इस R में बनेगा what, so Ri by means of water NaCl या फिर water NaBr, जो भी यहाँ पे Cl रहेगा Br रहेगा और हमें क्या मिलता है यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, तो ध्यान रखना है ओनली दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली अल्काइल आयोडाइड, सो दिस रिएक्शन वी कॉल एज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। सिमिलरली हमने इसी टॉपिक में पढ़ा है सॉल्ट रिएक्शन, सॉल्ट रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम अल्काइल, ये अल्काइल होने के Rx और हमें क्या मिलेगा आर एफ अल्काइल क्लोराइड बाय रिलीजिंग व्हाट व्हाटएवर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होता है वो, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं इट इज अ सॉल्ट रिएक्शन बोला जाता है, कौन सी रिएक्शन नहीं है सॉल्ट रिएक्शन बोला जाता है, और ये हमने ऑलरेडी इसी टॉपिक में लास्ट वीडियो लेक्चर प्रिपरेशन रिएक्शन में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो दिस इज अबाउट व्हाट दैट इज अबाउट द अदर रिएक्शन ऑफ एन अल्काइलाइड, जो कैटेगरी मतलब सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इलिमिनेशन रिएक्शन है और अदर तो बहुत सारे हमने यहाँ पे डिस्कशन किए। नाउ दिस वॉज दी ऑल अबाउट द क्लिनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्काइलाइड, आगे के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, थैंक यू।